आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए अभियान में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद कानपुर देहात को कोरोना टेस्टिंग मशीन 2 नेट का तोहफा दिया है, जिसके द्वारा जिला अस्पताल में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। पहले दिन 11 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बाकी लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। 1.5 से 2 घंटे में ही 2 लोगों की रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ऑपरेशन व अन्य बीमारी से जुड़े लोगों की जांच होगी। संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की जांच कानपुर मेडिकल कॉलेज से होगी। सीएमओ डॉक्टर राजेश कटारिया ने जिला अस्पताल पहुंचकर 2 नेट मशीन से कोरोना जांच का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 2 नेट मशीन के कोरोना की जांच जरूरी लोगों की जाएगी, जिसमें किसी मरीज को अगर ऑपरेशन होना है, गर्भवती महिलाओं की जांच की जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सके। वहीं 2 नेट हमारे यहाँ पे 2 मशीन इंस्टॉल हुई हैं। एक है ये टू पैप, जिसमें आरएनए सेपरेट होता है, फिर उसके बाद हमारा होता है टू लैब डुओ, इसमें सैंपल का रिजल्ट आता है। ये पूरा प्रोसीजर बना रखा है। डेली कितनी इसमें टेस्ट हो जाते हैं? इसमें डेली अभी तो हम लोग 2 से 4 सैंपल कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बहुत ही प्रभावशाली कदम जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया है कि सारे जनपदों में एक साथ ये 2 नॉट मशीन लगा करके इंस्टॉल करवाई गई है। अत्यंत तीव्र गति से काम हुआ है। ये 2 नॉट मशीन जेनेटिक टेस्टिंग करती है, सैंपल इसमें वैसे लिया जाता है जैसे पहले लिया जा रहा है, लेकिन इसकी अच्छाई ये है इसमें एक बार में 2 टेस्ट लग रहे हैं और 1 घंटे के अंदर इसका परिणाम आ जाता है। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी है, यदि कोई ऐसी बात है कि जिसमें आपको परिणाम तुरंत वांछित है, जैसे आपका सिजेरियन ऑपरेशन, इलेक्टिव ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन, तो आप इसमें परिणाम ले सकते हैं और मरीज का इलाज बेहिचक हो सकता है। अभी तक ये हम लोग कानपुर नगर में भेजते थे, RT-PCR होता था, जिसमें 24 घंटे से 48 घंटे तक का समय लगता है और उस समय मरीज की बीच में जो है स्थिति ऐसी हो जाती थी कि उसका इलाज की थोड़ी सी जहाँ पे आपातकालीन इलाज है कहीं संदेहास्पद मरीज में दुविधा हो जाती थी, वो स्थिति समाप्त हो गई है और बड़ी अच्छी तरीके से फंक्शनल है। माननीय विधायक गणों की निधि से उसमें एयर कंडीशनिंग का भी इंतज़ाम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। तब से इसमें अब तक हमारे पास 5 टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है और ICU भी पूरी तैयार है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में, उसमें भी सब पूरी तरीके से तैयार है। एनेस्थेटिस्ट भी पोस्ट हो रहे हैं।